देखो अपनी चिट, ये हाल इन पहाड़ों का। सो फाइनली राइड टू स्पीति स्टार्टेड। अभी तक तो ठीक है, हैं? चल ठीक है, बैठ बैठ जा, चलो। सो हर हर महादेव, राइड स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से अपना वही पिट स्टॉप साहिल भाई के घर एक बार। टोल प्लाजा क्रॉस, सोनीपत क्रॉस, नेक्स्ट पानीपत, अराउंड 40 किलोमीटर्स। वैसे ये रोड ना काफ़ी नॉस्टैल्जिक रोड है, अपने जितनी भी अच्छी अच्छी राइड हमने की है। यार आप लोग जाम देखो यार, क्या लग रखा है, ये नहीं पहुंचने देंगे आज पानीपत भी। विजय भी होता तो बहुत चिक चिक करता भी मेरे साथ, यहाँ क्यों घुसाई, वहाँ क्यों डाली, वहाँ से निकाल, वहाँ जगह। भैया रात के टाइम पे ना आपको मतलब ऑफिस ख़त्म करने के बाद एकदम से राइड पे निकलो ना तो थोड़ा रहता है यार थकान वगैरह। तो अब देखता हूँ आगे, एक हमारा है फेवरेट पिट स्टॉप करके चंडीगढ़िया का ढाबा। शायद ये आ ही गया, यही है 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर और ये सामने चंडीगढ़िया का ढाबा, अपना फेवरेट भाई, अपना फेवरेट। और यहाँ हर बार रुका हूँ मैं, हर बार जितनी बार भी इस रूट पे आए यही ढाबा होता है, यही जगह होती है और यही बाइक अपनी खड़ी होती है। फर्स्ट टाइम जब आए थे तो मैं विजय हम यही रुके थे, मतलब बाई चांस ही रुक गए देख के। और उसे इसमें देख पा रहे होगे अभी जो जर्नी की है वो 118 किलोमीटर पानीपत से नॉन स्टॉप चले। सो गाइस अपना स्टॉप यहीं ख़त्म होता है, अभी अब निकलते हैं, 5:15 हो गया टाइम। बट अभी हाँ ठीक है, दिन निकल जाएगा थोड़ी देर में, ब्लू ब्लू हो ही गया है। ओके, अब यहाँ से अपने को जाना है शायद जगह आई है, उसका नाम क्या था हरियाणा में, सामने आप देखो यार सारा हल्का हल्का ब्लू ब्लू हो गया है, तो ठीक है दिन निकल ही गया है लगभग। सो गुड मॉर्निंग हिमालयंस फ्रॉम द हिमालयस। सामने बहुत क्यूट क्यूट बच्चे बैठे हुए हैं, बड़ी देर से मेरे को बाय किए जा रहे हैं, जबकि भाई तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, चिंता मत करो। चलो इनको भी अब बाय बोलने का टाइम आ गया है। एक नंबर भाई, विजय भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ यार, विजय होना चाहिए था ट्रिप पे। वैसे भाई पहाड़ में घुसते एक फायदा तो है कि हवा ताजी और ठंडी दोनों आती है, तो जो मजा आया भाई यहाँ चलाने का। कुफरी पार हो गया है गैस, कुफरी इतना ही था भाई साहब। अब आप देख रहे होगे ये, अब आपको दिखना शुरू हो गया खेती पूरी है ना, नीचे मेरे पूरा, ऊपर ये कितना पास है। अब देखो मैं थोड़ी स्लो करके निकालता हूँ यहाँ से, ये है सेब के पेड़ सारे के सारे, उन पर लगे भी होंगे शायद, अभी अभी तो नहीं लगे ये पूरे।
पता नहीं को ढक्के क्यों रखते हैं, आई डोंट नो, शायद कुछ होगा रीजन। ये बस जस्ट रामपुर से पहले है, ऑफ रोडिंग और काफ़ी धूल मिट्टी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। चलो ठीक है, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे रामपुर। शायद 10-12 किलोमीटर और रह गए और पहुँच जाएंगे अभी अगले 10-15 मिनट में, क्योंकि रोड अच्छा है। एक ही बस ये पैच ख़राब था, बाकी बस बारिश की दिक्कत है। बारिश अगर बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कहीं रुकना पड़ जाएगा बाइक वाले बंदे को। और ये बारिश बढ़ी रही है, देखते हैं भाई। फिर लास्ट टाइम तो ऐसा बुरा हाल था नहीं यहाँ पे, पता नहीं इस बार क्या हो गया। ओह भाई, भाई एक नंबर खराब मौसम हो गया है। धूल भरी आंधी चले जा रही है, बारिश बीच में कहीं भी हो जा रही है। बाकी सब ठीक है, वैसे मौसम थोड़ा ठीक हो जाए ना। सही भाई, क्या पेड़ ही उखड़ जाएंगे। अभी जस्ट रामपुर क्रॉस किया और पहले डिसाइडेड तो पहले से ही था कि जाना पीओ है, बट बीच में थोड़ा मौसम ख़राब हुआ तो सोचा कि एक बार रामपुर में भी देखता हूँ। बट अब कहीं ना कहीं ठीक है। पत्थर देखो आप नीचे, ये हाल है इन पहाड़ों का। जहाँ रोड डैमेज होती है ना, ये मेनली होता है लैंडस्लाइड जोन, जिसे मैक्सिमम टाइम गिरते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ का जैसे ये आ गया भाई, ओ ऑफ रोड आती सही बाइक बजने लग गई है भाई साहब, पूरे के पूरे पहाड़ काट रखे। अभी शायद वो जो एक गेट ऑफ किन्नौर या गेट ऑफ कल्पा बोलते हैं उसे, जो ओपनिंग है एक, मतलब पत्थर को काट के रास्ता बनाया हुआ है, वो शायद आएगा बीच में। आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो अपन पहुंच गए ये नेचुरल कार वॉश पे। देखा होगा आपने रील्स वगैरह में काफ़ी जगह, यही है वो स्पॉट जहाँ पे बंदे आगे अपनी गाड़ी डालते, बाइकें डालते, धो देते हैं। काफ़ी सही है यार। चलो भाई, एंट्री पॉइंट आ गया किन्नौर का। ये यहाँ पे एंट्री होती है इसकी भी, कौन सी बाइक अंदर जा रही है, बंदे का नाम क्या है, कौन लेके जा रहा है, सो दैट इन केस कोई मिस हैपनिंग होती है तो ये लोग सर्च कर सके आपको। तो दोस्तों ये है वो, ये है वो पॉइंट, सो गेट ऑफ किन्नौर भी बोलते हैं। देख लो आप, अभी रुकूंगा तो नहीं खैर, क्योंकि बारिश हो रही है काफ़ी यहाँ, तो सेंस नहीं बनता रुकने का। बाकी मैंने पार कर दिया है, लास्ट टाइम फ़ोटोज़ ली थी, बट अभी बारिश के चक्कर में निकलना ही ठीक है, क्योंकि अभी जहाँ मुझे जाना है वो भी, अगर मैं टापरी भी जाता हूँ तो टापरी भी अभी 40 किलोमीटर है यहाँ से, और 40 किलोमीटर मतलब 1.5 घंटा बारिश बढ़ती है तो सीन हो जाएंगे फालतू के।
भाई क्या क्लिफ हैंगर से यार, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लेकिन पट्टी है भाई देख के इनको। वेलकम बैक हिमालयंस। तो आज की राइड हमारी अभी के लिए मतलब ख़त्म हो गई है क्योंकि मैं आपको पहले नहीं बता पाया, उस टाइम पे मेरा गोप्रो ऑफ हो गया था, बैटरी डेड थी, तो जो कुछ भी छोटा मोटा शूट था मैंने किया फ़ोन के साथ। बाकी अभी मैं हूँ रिकोंगपियो में और रिकोंगपियो आने का मतलब प्लान एकदम से ड्रॉप हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर वगैरह जो बताया था शायद मैंने आपको। फिर मैं सोचा कि टपरी जाऊंगा जो कि रामपुर से अराउंड 60 किलोमीटर के आसपास था, बट टपरी पहुँचते ही मौसम अच्छा हो गया तो मन बन गया, रोड अच्छा मिल गया तो रिकोंगपियो आ गए। 6:30 बजे के आसपास पहुँच गया मैं यहाँ। अब बस खाना वाना खा के रेस्ट वेस्ट करके कल निकलना है काजा के लिए। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए दिस इज़ हिमालयन रोड साइनिंग ऑफ।